वो गुड़िया यहाँ से 350 जाती थी हमारी गाड़ी, ये 350 हाँ ये जैसे आज भी लग रही है, ठीक है। तो वो गुड़िया भाई साहब यहाँ से बैठी थी, थोड़ा डाउट तो यहाँ से हो गया था, फिर मैं चलो हाँ हो गया था जब सीट नंबर लिया उसने, लेकिन फिर हम पूछा नहीं किसी को क्यों टोका भाई, अपना तो काम है ड्यूटी है, तो वहाँ से टिकट उस पर 10-20 रुपए कम थे। वो एडवांस बुकिंग वाला हमारा जो गाड़ी बुक करता है वो बोला भाई नील तू इस पे चंडीगढ़ जाकर ले लेना। मैं यार चलो किन्ना है गुड़िया है बच्ची है नहीं देगी जिब भी कोई बात नहीं, मैंने सीट नंबर दे दिया, एक अच्छी उम्र के आदमी थे उनके पास बैठ गई हुए। तो फिर हम चले गए सफर में, चलते रहे 3-4 घंटे का सफर है वो चंडीगढ़। उस आदमी को जाना था 43 सेक्टर बस अड्डे पे, तो उस आदमी ने वो वहां उतर गए, उतरने से पहले मेरे को बोला कंडक्टर साहब इधर आओ। महा जी बोलो सर क्या बात है, बोला मैं 3-4 घंटे से इस गुड़िया के पास बैठा हूँ, ये प्रॉब्लम में है, दिक्कत है इसको, और आप इससे जब 17 बस स्टैंड पे सवारी उतारोगे नहीं एक बार इससे प्रॉब्लम पूछ लेना। माँ जी ठीक है, वो हम बस स्टैंड पहुंच गए, सवारियां उतर गई, मैंने उसको आगे बुला लिया, बेटा मैं हम 8:15 बजे जी हाँ रात ने, तो मैंने उसको आगे बुला लिया, मैं बेटा आगे आओ कहाँ जाना आपको, बोले जी अमृतसर जाना है। कहाँ से आए हो, बोले बहादुरगढ़ से। आपके साथ है कोई, बोले नहीं कोई नहीं, बोले मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं स्कूल की ड्रेस हाँ उस पर टैग लग रहा था जेब पे स्कूल का, बहादुरगढ़ नाम तो मेरे ध्यान नहीं भाई साहब, ऐसे हाँ स्कूल का टैग था, 15 से 16 साल के बीच में थी। अच्छा फिर वो बात सारी बातें पूछी उस पर, वो बोली मैं आपको ऐसा करो किसी का नंबर दे दो आपके पापा का भाई का या किसी रिश्तेदार का, बोली मेरे किसी का नंबर याद नहीं कुछ नहीं ऐसे। हमारे को 1.5 घंटा बैठ गया हम फिर वहाँ, अच्छा। उसने की कोई नंबर नहीं दिया हमारे को, कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं, ना उसके पास मोबाइल भी नहीं था कुछ नहीं था, उसके पास बैग था उसमें सारी किताबें थी स्कूल की। तो फिर मामा भाई तू बैठ जा बेटा, पानी पिला, फिर हमारा खाना का टाइम हो गया था, मैं पहले तो आप खाना खाओ, हमने पास में बिठाया उसको खाना खिला दिया बस स्टैंड पे वहीं जहाँ हम अपनी बस के पास वहाँ चौंतरे बने हुए हैं वहाँ सोए कर, तो ओड़े अपना चादर बिछाया गए, ओड़े अपना खाना खिला उसको, दो रोटी खिलाई जबरदस्ती, मैं खाना पड़ेगा खाना तो फिर आप जहाँ कहोगे छोड़ आवांगे। फिर मैं एक बात हम आपको जब जाने देंगे जब हमारी किसी से बात करवा दोगे, घर में किसी से भी करवाओ चाहे बाहर से करवा दो जो आपका जानकार हो। वो बोली उस अमृतसर वाले का नंबर है, मैं नंबर दो, मैंने फोन लिया उस पर मिलाया, मैंने बात करी माँ भाई एक गुड़िया है इसको अमृतसर आना, चंडीगढ़ आई हुई है, आप कैसे मिलोगे, ना इसके पास किराया है, स्कूल की छोटी बच्ची है। वो तो एंड बैंड बात करने लगा, सर मैं जानता ही नहीं कौन है ये क्या है किस नाम आया, ट्रू कॉलर पे पता नहीं पाछे उसका भगत लिखा होता जी, जाकिर पता नहीं ऐसा जशन भगत जो भी था पाछे, मैंने तो ऐसा लगा था जैसे कोई तांत्रिक नहीं हो, ऐसे लगा था मैंने उसकी जैसे उसकी ट्रू कॉलर पाया। तो फिर मैं उस गुड़िया से पूछा, वो गुड़िया बोली माँ बताओ, वो बोली अंकल यही बोल रहा, बोले मेरा फोन नहीं मेरे भाई का, 5 मिनट में कॉल करियो आप मैं करूंगा दोबारा। 15-20 मिनट इंतजार करके फिर मैंने दोबारा कॉल करी, बोला मैं उसका हाँ भाई मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, माँ हम किसी को नहीं जानते ना हमारा कोई जानकार, वो मैंने फिर गुड़िया को फोन दे दिया आप बात करो। गुड़िया ने जो उसका नाम था लेके बात कराया, भाई मैंने उससे बात करनी है। तो फिर वो बात गुड़िया से भी नहीं बात की, बोले मैं तेरे को जानता ही नहीं कौन है तू, मैं फिर उसको समझाई देख लिया मैं बेटा ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं कहाँ जाओगे आप इतनी रात को, और मैं यहाँ कहाँ आ गए आप, यहाँ तो भेड़िए हैं आपको नोच के खा जाएंगे और आपको तो पता ही नहीं है इन बातों का। फिर वो इतनी बात है, और फिर 11 बज गए जी रात के, हमारे को बात करते करते फिर उसने बड़ी कोशिश थे बड़े प्यार से समझा, वही गुड़िया खूब रो थी जी वह, फिर बाद में रोई, पहले नहीं रोई थी वह, फिर उसने उसके भाई का नंबर दे दिया जी। अच्छा। वो खिलाड़ी है अब तक, मतलब उसने यू भी बताया भाई वो आदमी कौन था, किस तरीके का बात हुई था। वो बोले हम लूडो खेलते थे, गेम नहीं है ऑनलाइन गेम खेलते हैं बच्चे, बोले उसमें जान पहचान होगी थी, फिर इंस्टाग्राम पर जान पहचान होगी थी, मैं कितने महीने से बोली 5-6 महीने से बात कर रही हूँ मैं इसके साथ, वो इसने मेरे को बुलाया है आप यहाँ आ जाओ, वहाँ अमृतसर गोल्डन टेम्पल है नी उसके पास गली में, को ऐसे ऐसे बता रही थी वो। फिर उसके उसने जी इतनी बात, उसके भाई का नंबर दिया, मैंने उसके भाई के पास कॉल करी, मावे मैं जीन डिपू का कंडक्टर बोलू और हरियाणा रोडवेज जीन डिपू शेर मगा मैं चंडीगढ़ नाइट सटे है, एक गुड़िया हमारे पास ये ऐसे ऐसे नंबर दिया इसने। वो फिर उसके फादर ने ले लिया, उसका फादर पुलिस में है वहाँ बहादुरगढ़। वो बोले अरे भाई कहाँ है मेरी बेटी, हम तो वो 12 बजे के इसको ढूंढ रहे थे, फुटेज कढ़ा रहे थे, और बोला मैंने CIA की टीम लगा रखी, दोनों थाने लगा रखे सदर में सिटी में, बोला सारे रिश्तेदार लग रहे हैं, और बोला हम तो हमारे को कोई संपर्क नहीं हो रहा, मां भाई बेटी मेरे पास है सेफ है कोई दिक्कत नहीं,
बोले आप बात करा दो, मैंने बात करा दी, फिर उसकी माँ का फोन आया उससे बात कराई, फिर उसका भाई गया उससे बात कराई, सारी रात फिर तो फोन चलते रहे, फिर वो वहां से चल पड़े जी बहादुरगढ़ से भाई हम लेना। हाँ हम हाँ, फिर वो गाड़ी में उसकी माँ सारी फैमिली आए हमारे पास पहुंचे 4 बजे। तो 12 से 4 के बीच का जो टाइमिंग था वो अपना जाग के कटा। हाँ वो गुड़िया तो सुहा दीजिए हमने। हाँ हमारे वो चद्दर बिछरी थी, हम भी उड़े, हमारा बेटा तू तो सोचे, मैं और वो ड्राइवर हमने पूरी रात जाग के उसका पहरा दिया, मैं पूरी रात जाग गया, हमने एक मिनट भी सोए, मैं बाथरूम गया तो जी वो ड्राइवर छोड़ दिया, वो गया तो फिर मैं रहा इतने। हाँ बिल्कुल हमने नहीं छोड़ी जी वो एक मिनट भी अकेली। तो फिर बाद में वो आगे उनको मिलवाया, वो रोने रोने लगे, सारे परिवार था उसका, वो पैसे भी दे रहे थे हमारे को, भाई आप खर्चा पानी ले लो, आपने मदद करी, देखो जी इंसानियत के नाते मदद करी है, माँ झोला भरे हमारा पैसे का, सरकार तनख्वाह देवे, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं हमारे को माँ, इसीलिए आपकी बेटी आपको सेफ मिल गई और भगवान के परमात्मा की मेहर है जो हमारे से संपर्क हो गया, तो इसलिए उनको हमने उसको सौंप दिया, वो ले गए जी उसको।